Direct assessment of major depressive disorder. So now we will discuss about those tests which we can use with the um, patient for assessing the depression level. Uh, जब भी हम uh, direct assessment की बात करते हैं, तो basically हम formal assessment की बात कर रहे होते हैं. और formal assessment के अंदर हम वो psychological test की बात कर रहे होते हैं, जो कि हम mostly use कर सकते हैं. उन लोगों के साथ जो डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डिप्रेशन के लिए बहुत से स्केल्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से हम दो को यहाँ डिस्कस करेंगे चाइल्ड डिप्रेशन इन्वेंट्री एंड द मूड एंड द फीलिंग्स क्वेश्चन एयर तो ये दोनों जो हैं स्केल्स इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर असेसिंग द डिप्रेशन लेवल इन द क्लाइंट सो हे वी विल गो विद द सी डी आई तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा ये लिखा हुआ है सेल्फ रिपोर्ट मैर है ठीक है उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा पेरेंट और फिर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा टीचर तो इसका क्या मतलब है कि जो सी डी आई है उसको हम थ्री लेवल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ठीक उसमें जो सबसे पहले है आ, हमने क्लाइंट को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है उसमें हमने उनको बताना है कि जो आइटम नंबर वन है इसमें थ्री लेवल्स हैं इसमें से जो आपको लगे कि आपके ऊपर पूरा उतरता है उसको आपने रेट कर देना है फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम नंबर वन क्या है आई एम सेट वंस इन अ वीक आई एम सैड मैनी टाइम आई एम सेड ऑल द टाइम आपको याद होगा कि जब हमने डायग्नोसिस पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो स्पेसिफायर्स हैं वो हमने स्पेसिफाई करने होते हैं जिसमें सेवेरिटी लेवल भी होता है तो अगर वनस इन अ वीक है तो इसका मतलब है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन uh, के सिम्टम्स नहीं है माइल्ड लेवल का है मैनी टाइम्स मॉडरेट लेवल का है ऑल द टाइम्स सवियर लेवल का है ठीक है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो आइटम है ये इस किस्म की सिवेरिटी लेवल को मुहैया कर रहा है देन आइटम नंबर थ्री है आई डू मोस्ट थिंग्स ओके आई डू मैनी थिंग्स रॉन्ग आई डू एवरी थिंग रॉन्ग ठीक है तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो किस हद तक जो चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ के अंदर आ, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा ठीक है देन आई फील लाइक क्राइंग एवरी डे आई फील लाइक क्राइंग मैनी डेज़ आई फील लाइक क्राइंग वंस इन अ वाइल्ड ठीक है तो इस किस्म के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सप्लेन करेगा कि वो कहाँ पर खुद को रेट कर रहा है इसी तरह वी विल आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स कि उससे हमें ये पता चलेगा कि वो ऑब्ज़र्व जो उनकी ऑब्जर्वेशन है Uh, उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या कह रहे हैं ये जो है ये प्रोफाइल बेसिकली फील्ड है एक uh, ये दैट इज द सूडोनी जैसे मैं आपके साथ इमेज प्रेजेंट uh, कर रही हूँ आपको तो जैसा पेरेंट्स हैं उनसे अगर पूछा जाए कि लुक सैड यानी जो बच्चा है वो आपको सैड नज़र आता है तो उन्होंने जवाब इन चार आइटम्स पे देना है नॉट एट ऑल सम टाइम ऑफन मच और मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो ये जो रिस्पॉन्स सेट है इसके ऊपर वो रिप्लाई करेंगे लाइक चाइल्ड हैज हैफ़ान तो अगर वो नहीं है तो नॉट एट ऑल डज़ नॉट लाइक हिम सेल्फ और हर सेल्फ़ ऑफन इन्जॉय बींग विद पीपल मच और मोस्ट ऑफ द टाइम सो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो उनसे पूछे जाएंगे और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर रिप्लाई uh, करना है बिल्कुल इसी तरह के आइटम्स जो हैं वो हम उसके टीचर से भी पूछेंगे और वो भी जो है वो अपना रिप्लाई करेंगे जिस तरह लुक सैड यानी अब जो टीचर्स बता रहे हैं वो किस बेसिस पे बता रहे हैं कि उन्होंने स्कूल में उस बच्चे को किस तरह ऑब्जर्व किया ठीक है सीम्स लोनली यानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम अकेला रहता है इन्जॉय स्कूल द डिसग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अदर्स तो इस किस्म के आइटम्स जो हैं वो उनसे पूछे जाएंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हमारे सामने रेटिंग आएगी जो हमें हेल्प करेगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि बच्चे का जो डिप्रेशन का लेवल है वो कितना है देन मूड एंड फीलिंग क्वेश्चन एयर जो है उसका एक शॉर्ट वर्जन है जिसके अंदर थर्टीन आइटम्स हैं और उसके हम पूछेंगे किससे खुद बच्चे से और उसमें वो बताएगा कि आई फेल्ट मिजरेबल और अनहैप्पी नॉट ट्रू टाइम और ट्रू तो इस तीन के ऊपर उसने रेट करना है नॉट ट्रू इज़ ज़ीरो टाइम वन ट्रू इज़ टू तो फॉर एग्जांपल अगर वो रेट करता है ट्रू पे तो दैट्स मीन कि इसकी रेटिंग जो है वो टू है अगर वो कहता है कि आई क्राइड अ लॉट सम टाइम तो इसकी रेटिंग वन है और अगर वो कहता है आई फेल्ट लोनली और ये नॉट ट्रू है तो इसकी रेटिंग जीरो है ठीक है इसी तरह आपके पास नुमारक वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको फिर आप टोटल कर लोगे एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जो उसका मूड और फीलिंग के ऊपर क्वेश्चन है के ऊपर जो स्कोर आ रहा है वो कहाँ पर उसको लाइक uh, कर रहा है इन डिप्रेशन ठीक है तो दिस इज समथिंग जो कि हम डायरेक्ट असमेंट में uh, करते हैं और ये हमें हेल्प करता है फॉर मेकिंग क्लियर डायग्नोसिस